चलता है जय श्री राम गिराज, और क्या चलेगा बाबा सर्वराज। देख मेरा अंगराग हो गया। हम ये खाली यहाँ पर चलता है जय श्री राम गिराज, और क्या चलेगा बाबा सर्वराज। देख मेरा अंगराग हो गया। देश भर में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पोस्टर फाड़े जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए इस वीडियो में एक युवक पोस्टर फाड़ता दिख रहा है, साथ ही वो अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। इसके बाद हिंदू संगठन में आक्रोश है और उन्हीं के शिकायत आवेदन के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच हिंदू संगठन का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण नहीं पचा पाने वालों की ये करतूत है, लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश हो रही है। भगवान राम के जो पोस्टर अयोध्या से आए हैं, अक्षत आए हैं, उनको फाड़ कर फेंका गया, जलाया गया, राम को अपशब्द कहे गए। ऐसे वीडियो देखने के बाद में हाँ सभी में क्रोध जागृत हुआ और कार्यकर्ता को साथ में लेकर हम लोगों ने क्राइम ब्रांच में उसकी शिकायत की। एक व्यक्ति को पकड़वाया भी है उसके अंदर, उसमें FIR करवाई गई है, कायमी करवाई गई है उसमें। उसमें 3-4 और लोग भी हैं, तो क्राइम ब्रांच के लोगों का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि अधिकारी कह रहे हैं कि जाँच कर कर इसमें जो भी लोग होंगे शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे कृत्य आगे ना हो ऐसे हमें आश्वासन दिया उन्होंने। आगे अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं होती हैं, मालूम पड़ता है, वीडियो आते हैं, हिंदू सेना कार्रवाई करेगी। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने क्राइम ब्रांच को शिकायत आवेदन के साथ संबंधित पोस्ट भी साझा किया है। इसके साथ तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया है और एक अन्य आरोपी के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। एक इंस्टाग्राम पे किसी ने ये इस तरह का पोस्ट किया था जिसमें कोई आमंत्रण पत्र को फाड़ता हुआ दिख रहा था, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट किया था उसको भी गिरफ्तार किया, कार्रवाई की गई। और ये मेरा अनुरोध है सभी से कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में कोई भी चीज़ पोस्ट करने के पहले जरूर देख लें कि क्या है उसमें, किसी की भावनाएं आती हैं। बता दें जिस ID से ये पोस्ट डाली गई है वो गोपाल रावण के नाम से है और उस पर जय भीम लिखा हुआ है। पोस्ट पढ़ते ही जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुआ, वैसे ही हिंदू संगठन के बीच भी आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद हिंदू सेना की ओर से वायरल पोस्ट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच को एक शिकायत आवेदन दिया गया।